नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव की कक्षा 7 का अध्याय 2 द्वितीय पाठ चित्र पाठ का अध्ययन करेंगे। आप इसमें धैर्य के साथ पढ़िए। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है क्योंकि एक ही वीडियो बनेगा पूरे चैप्टर का, इसलिए ध्यान से देखना। आयम कह चित्र पाठ, जैसा कि पाठ से ही स्पष्ट है, चित्र वाला पाठ है। आपको चित्र दिया जाएगा, उनके बारे में कुछ लिखा जाएगा, अब प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर दिए जाएंगे। तो आप ऐसे ही अपने जीवन में छोटे छोटे शब्दों को प्रयोग करके जानकारियां हासिल कर सकते हो। ये अर्थ इसी लिए ही दिया गया है, आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है। अयम कह, ठीक है, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। अयम कह, अयम माने यह, कह कौन है, ये कौन हैं। अयम ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कथम अयम राष्ट्रपिता, कैसे, कथम माने कैसे, अयम माने ये राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता हुए, कैसे ये राष्ट्रपिता हुए या हैं। अयम ये वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति, अयम माने ये वर्तमान माने वर्तमान भारत राष्ट्र से भारत राष्ट्र का जनक, जनक अस्ति हैं, जनक माने पिता, भारत राष्ट्र से भारत राष्ट्र के, ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक हैं। कथम अयम प्रसिद्ध, कैसे ये प्रसिद्ध हैं, कैसे ये प्रसिद्ध हैं, ये क्यों विख्यात हैं। अब जवाब मिलता है अयम ये सत्याग्रहेण, सत्याग्रह अहिंसांदोलनेन अहिंसांदोलन में, चा परतंत्रम भारत, परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत, इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन किया। परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत, इन्होंने परतंत्र मतलब दूसरों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन भारत को स्वतंत्र कराया, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अयम कह, ये कौन है। अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग, अयम माने ये, अस्माकं माने हमारे, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, तृतीय माने तीन, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग महोदय जी हैं, ये हमारे राष्ट्र के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। कथम अयम तृतीय राष्ट्रपति, कैसे ये तीसरे राष्ट्रपति हुए। अयम किम वैशिष्ट्यम आसीत, इनकी क्या विशेषताएं थी, मतलब ये राष्ट्रपति बने कैसे। ठीक, अयम कथम माने कैसे, अयम माने ये तृतीय राष्ट्रपति, कैसे ये तीसरे राष्ट्रपति हुए। अस्य किम वैशिष्ट्यम आसीत, इनकी क्या विशेषता थी। अयम नूतनाया, अयम माने ये, नूतनाया माने नई, प्राथमिक शिक्षा पद्धति, प्राथमिक माने प्राथमिक शिक्षा पद्धति माने शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ, विशेषज्ञ आसीत थे, ये नई प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। अब इनके बारे में चित्र पूछा जाएगा। अयम कह, ये कौन है। अयम भारत, भारतस्य एकादश राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। अयम माने ये, भारतस्य माने भारत के, एकादश माने ग्यारहवें, ग्यारहवें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। APJ अब्दुल कलाम के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप अपनी कीर्ति बिखेरना चाहते हो सूरज की तरह, तो सबसे पहले आपको सूरज के जैसा जलना पड़ेगा। ये कुछ इनकी अच्छी बातें हैं। सीखने वाला इंसान केवल बच्चा ही नहीं होता, जो इंसान सीखता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है और सीखने की कोई सीमा नहीं होती, इनके यही ये भी कथन है। वैसे इनके बहुत सारे कथन हैं। अयम कह, ये कौन है। अयम मतलब ये भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अस्य जन्म कदा अभवत, अस्य माने इनका, अस्य माने इनका जन्म, कदा माने कब, अभवत माने हुआ, इनका जन्म कब हुआ। अस्य जन्म इनका जन्म 1931
तमे वर्षे 1931 ईस्वी वर्ष में अक्टूबर मासस्य अक्टूबर महीने की पंच दशे माने दस पाँच पंद्रह दिनांक के अभवत दिन को हुआ। तब इनका जन्म 1931 में अक्टूबर महीने की 15 तारीख को हुआ। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रांतस्य, इनका जन्म तमिलनाडु प्रांत के प्रांतस्य माने प्रांत के रामेश्वर नाम के माने रामेश्वर नाम के स्थाने स्थान में अभवत हुआ। कथम अयम प्रसिद्ध, कथम माने कैसे, अयम माने ये, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हैं, अयम माने ये महान वैज्ञानिक, ये महान वैज्ञानिक हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्ध अभवत, ये मिसाइल मैन नाम के मिसाइल मैन नाम से जाने जाते हैं। अयम कह ये कौन है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, ये कथन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के। अयम कह ये कौन है, अयम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभागा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कथम अयम प्रसिद्ध, कैसे ये प्रसिद्ध हैं, स्वतंत्र भारत से, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माणे, संविधान निर्माण में अस्य माने इनकी, अपूर्व माने अपूर्व, इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं, महत्वपूर्णांच और महत्वपूर्ण योगदानम आसीत, भार स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इनका अपूर्व महत्वपूर्ण योगदान आसीत माने था। मतलब ये इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनका भारत के संविधान निर्माण में अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था। इयम महारागी लक्ष्मीबाई, अब चित्र के बारे में देखकर पूछा जा रहा है ये कौन है। इयम कहा ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम इयम प्रसिद्धा, किस लिए ये प्रसिद्ध हैं, अब जवाब मिलता है। इयम लक्ष्मीबाई, ये लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे 1857 वर्ष के ईस्वी वर्ष के प्रथम स्वातंत्र संग्राम से, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वीरांगना, संग्राम से माने संग्राम की, वीरांगना माने शहीद, वीरांगना आसीत थी ये लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। त्रयोविंशति वर्षायु, त्रयो माने तीन, विंशति माने बीस, बीस तीन तेईस, वर्षा वर्ष आयु, वर्ष की आयु में प्राप्त करके इयम ये राजमहिषी, राजमहारानी आंग्ल साम्राज्य से, अंग्रेजी समाज के, आंग्ल साम्राज्य से माने अंग्रेजी साम्राज्य के सैन्य बलम, सैन्य बल का प्रतिकर्तुम प्रतिकार करने का प्रयत्नवती प्रयत्न किया। 13 वर्ष की आयु को प्राप्त करके ये महारानी अंग्रेजी साम्राज्य के सैन्य बल का प्रतिकार करने का प्रयत्न किया। रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्तवती, वीर गति को प्राप्त हो गई, परंच उसके उपरांत यावज्जीवनम, लब जब तक ये नहीं, परंतु यावज्जीवनम अपने जीवन के रहते आंग्ल शासका नाम अंग्रेजी शासकों को झांसी नगर अतिक्रमणम, झांसी नगर में अतिक्रमण ना अंगीकृतवती, नहीं अंगीकृत करने दिया। अपने जीवन रहते इन्होंने अंग्रेजी शासकों को झांसी नगर पर अधिकार करने ही नहीं दिया, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। ये लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी वर्ष के पहले स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। 23 वर्ष की आयु को प्राप्त करके ये महारानी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी साम्राज्य की सैन्य बल का प्रतिकार करने का प्रयत्न किया। रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई, परंतु अपने जीवन रहते
अंग्रेजी शासकों को झांसी नगर में अधिकार करने नहीं दिया। ईएम का ये कौन है? ईएम भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया, ये भारत कोकिला के नाम से जानी जाने वाली श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। कथम ईएम, कथम माने कैसे, ईएम माने ये, भारत कोकिला माने भारत की कोकिला हैं, कोयल हैं, कैसे ये भारत की कोयल हैं। ईएम ये विदुषी माने विद्वान, कवित्री माने कवित्री, सुमधुर भाषणी सुंदर मधुर भाषण देने वाली च आसीत, ये विद्वान कवित्री जो जेंट्स होते हैं पुरुष होते हैं उनको कवि बोला जाता है, जो स्त्रियां होती हैं जो कविता लिखती हैं उनको कवित्री बोला जाता है, कवयित्री। ये विद्वान कवित्री और सुंदर मधुर भाषण देती थी। इयम स्वतंत्रता स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य प्रथम राज्यपाल पदम अभूषयत। इन्होंने स्वतंत्र भारते माने स्वतंत्र भारत में, उत्तर प्रदेश से माने उत्तर प्रदेश के, प्रथमम राज्यपालम पदम अभूषयत, प्रथम राज्यपाल पद को अभूषयत माने अभूषित किया, मतलब ये स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहली राज्यपाल नियुक्त हुई या बनी। ईएम का ये कौन है? ईएम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, ये प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी हैं। कथम ईएम प्रसिद्ध, कैसे ये प्रसिद्ध हैं। ईएम माने ये, अस्माकम माने हमारे, देश से माने देश की, प्रथम महिला प्रधानमंत्री पहली महिला प्रधानमंत्री आसीत थी, ये इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सर्वे जना सभी लोग, सर्वे जना माने सभी लोग, इमाम माने इनको कुशल प्रशासिका रूपेण, कुशल प्रशासिका रूप में, श्रद्धया माने श्रद्धा के साथ, स्मरन्ति माने स्मरण करते हैं, सभी लोग इनको कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। ईएम का ये कौन है? ईएम माने ये भारत अनुरागिणी, भारत के प्रति अनुराग या प्रेम रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हैं। ये भारत के प्रति अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हैं। अस्याह का विशेषता, इनकी क्या विशेषता है? ईएम जन्मना आंग्लदेशिया, अब इनकी विशेषता बताई जा रही है। ईएम माने ये, जन्मना माने जन्मी, आंग्लदेशिया आंग्लदेश में, अंग्रेज देश में, ये अंग्रेज देश में पैदा हुई, मतलब इंग्लैंड में पैदा हुई। ईएम माने इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से, हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माणाय, निर्माण में, प्रभूतम माने बहुत सारा, धनम माने धन, विस्तृतम माने बहुत बड़ा विस्तृत, भूखंडम माने भूमि का टुकड़ा, च अदादत, इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय जो काशी में है, बनारस में, उत्तर प्रदेश में, ये हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में बहुत सारा धन और विस्तृत जमीन को दिया, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। अस्याह भाषणेषु रचनासु च संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत भाषाया च गौरवम प्रकाशितम अस्ति। और आगे भी सुनिए, अस्याह माने इनकी, भाषणेषु माने रचनाओं, ओ भाषणों पर, मुख वचनों पर, रचनासु रचनाओं पर, च माने और, संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषाया मतलब संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत वाणी की, संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा का, च माने और, गौरव माने गौरव, प्रकाशित माने प्रकाशित, अस्ति माने है, इनकी भाषणों और रचनाओं पर, संस्कृत वाणी और संस्कृत भाषा पर गौरव प्रकाशित है, मतलब इनकी रचनाओं और भाषणों में संस्कृत वाणी और संस्कृत भाषा कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी रचनाएं अधिकतर संस्कृत भाषा में ही प्रकाशित हुई हैं, इनकी जो भाषण आए हैं वो भी संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए हैं पत्रिकाओं पर, और इनकी वाणियां भी प्रकाशित हुई हैं।
यम्मा ने ये, देशस्य माने देश की, स्वतंत्रता ये, स्वतंत्रता की, महत्वपूर्णम स्वतंत्रता के लिए, महत्वपूर्णम माने महत्वपूर्ण, योगदानम माने योगदान अकरोत माने किया, इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी जो 1885 ईस्वी में बनी थी, जो अभी भी चल रही है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष मुझे नहीं पता, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का राजधानी अस्ति है। लखनऊ नगरम माने लखनऊ नगर, उत्तर प्रदेश अस्ति माने उत्तर प्रदेश की राजधानी, माने राजधानी, अस्ति माने है। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम माने यह, प्राचीनम माने प्राचीन, सुरम्यम माने सुंदर, च माने और, नगरम माने नगर, अस्ति माने है। यह प्राचीन और सुंदर नगर है। अत्र बहूनि, यहाँ, अत्र माने यहाँ, बहूनि माने बहुत से, दर्शनीयानि माने देखने योग्य, दर्शनीयानि माने देखने योग्य, स्थलानि माने स्थल, संति माने हैं। यहाँ पर बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, यथा रेजिडेंसी स्थलम, जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमाम बाड़ा भवन, सचिवालय और सचिवालय। अब चित्र दिया जाता है। इदम किम, यह क्या है। इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकम देशभक्तानाम आत्मत्यागम स्मारयति। इदम माने यह, अस्माकम माने हमारे, देशभक्तानाम माने देशभक्तों के, आत्मत्यागम माने आत्म बलिदान, आत्मत्याग का, स्मारयति माने स्मरण कराता है। यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग का स्मरण कराता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 जो 1857 में हुआ था, ईस्वी वर्ष में भारतीय वीरों ने आंग्ल शासनस्य, अंग्रेजी शासन का, यथा जैसे ही, विरोधम मतलब यदा माने जब भी, विरोधम माने विरोध, अकुर्वन माने किया, तदा माने तब, देशभक्ता माने देशभक्तों ने, अत्रापि यहाँ भी, अपि माने भी, यहाँ भी, आंग्लान आक्रांत बनता है, मतलब पहले स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 ईस्वी में हुआ था, उसमें भारतीय वीरों ने अंग्रेजी शासन का जब विरोध किया, तब देशभक्तों ने यहाँ भी, मतलब देशभक्त यहाँ भी अंग्रेजों के द्वारा सताए गए। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपने रक्तों को प्रवाहित किया। अस्मिन् युद्धे माने राष्ट्रभक्तों ने स्वरक्तम माने अपने रक्त को, प्रवाहितम माने प्रवाहित किया। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपने रक्त को प्रवाहित किया। तेषां माने उन सब के, त्यागेन माने त्याग से, एव माने ही, स्वतंत्रता का, एकम माने एक, सोपानम माने मंडल या सीढ़ी या मंजिल, निर्मितम माने निर्मित है, उन्हीं के त्याग को और त्याग से स्वतंत्रता का ये एक नया सोपान। इसके पहले हम गुलाम हुआ करते थे, वो एक अलग सोपान था। सोपान मंडल होते हैं ना रामायण में, अलग अलग सोपान में अलग अलग स्थानों की कथा, मतलब अगर इन्होंने अपने रक्त को नहीं बहाया होता तो हमें ये स्वतंत्रता ना मिलती। इदम सचिवालय भवनम अस्ति, यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधान परिषदों की अधिवेशनानि माने बैठकें, भवन्ति माने होती हैं।
इस भवन में विधानसभा की और विधान परिषद की बैठकें होती हैं। अस्मिन माने इस, एव माने ही, भवने माने भवन में, स्थित्वा माने रह करके, राजस्य माने राज्य के, मंत्रिणः माने मंत्री लोग, सचिवाः माने सचिव लोग, अन्ये च अधिकारिणः, अन्य माने दूसरे, च माने और, अधिकारिणः माने अधिकारी लोग, राज्य कार्यम राज्य के कार्य का संचालयन्ति संचालन करते हैं। इसी ही भवन में स्थित रह करके राज्य के मंत्री और सचिव और अन्य अधिकारी लोग राज्य के कार्य का संचालन करते हैं। सचिवालय माने सचिवालय में, एव माने ही, उत्तर प्रदेशस्य माने उत्तर प्रदेश का, मुख्य माने मेन मुख्य, कार्यालय माने कार्यालय, अस्ति माने है, सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। इदम किम, ये क्या है, चित्र के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्या है। इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति, यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किम अर्थम इयम प्रसिद्ध, किस लिए, इदम माने यह, प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है, इदम ही, अब बताया जा रहा है, इदम माने यह ही अनुभवधारिता, अनुभवाधारित माने अनुभव को धारण किए हुए, शिक्षा प्रदानाय विख्यातम वर्तते, मतलब यही ही अनुभव धारण किए हुए शिक्षा को प्रदान करने के लिए विख्यात बताया जाता है। मतलब ये जो भवन है आंचलिक विज्ञान केंद्र, यह भवन मतलब यहाँ ही अनुभव धारण युक्त, मतलब अनुभव युक्त टीचरों के द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए विख्यात है। इदम माने यह, केंद्रम माने केंद्र, लखनऊ नगरस्य, लखनऊ नगर के, मध्य माने मध्य में, बीच में, स्थितम माने स्थित, अस्ति माने है, यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य में स्थित है। अस्मिन केंद्रे, अस्मिन माने इस, केंद्रे माने केंद्र में, अन्वेषण कक्षम, अन्वेषण माने खोज कक्षा माने कक्षा, खोज कक्षा इति नामना भवनम अस्ति, खोजी कक्षा नाम की एक भवन है। इसके ही केंद्र में अन्वेषण कक्षा नाम की एक भवन निर्मित है या भवन है। अस्य कक्षे, इस कक्षा में, भूजलीयान्वेषणम, अस्य माने इस, कक्षे माने कक्षा में, भू माने भूमि, जलीय माने जल से, जल का, अन्वेषणम माने खोज, जैव माने जीव, प्रौद्योगिकी क्रांति, जीव प्रौद्योगिकी क्रांति, व्यवहारिक विज्ञानम और व्यवहारिक विज्ञान, च इति और इस प्रकार के, तिस्र माने तीन, दीर्घिका माने दीर्घिका बिल्डिंगें, इस संति माने हैं। इस ही कक्षा में भूजल अन्वेषणम, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यवहारिक विज्ञानम नाम की तीन दीर्घिका हैं। पहले के बारे में बताया जाता है, इदम इमामबाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति, यह इमामबाड़ा भवन अति मनोहर है, बहुत ही सुंदर है। इदम माने यह, अवध शासका नाम माने अवध शासकों की, स्मारक माने स्मारक, अस्ति माने है, यह अवध शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदिः, इस भवन भवन की छत अति विस्तृता माने बहुत ही विस्तृत, अस्ति माने है, इस भवन की छत बहुत ही विस्तृत है। इयम माने यह, स्तंभ माने स्तंभों के, बिना भी माने बिना भी, मतलब ये बिना खंभों के, बहु कौशलेन बहुत ही कौशल से निर्मिता माने निर्मित की गई, अस्ति माने है, यह बिना खंभों के, बिना पिलर के, बिना खंभों के, बहुत ही कौशल के द्वारा निर्मित की गई है। अस्मिन माने इस में, एकम माने एक, विचित्रम माने विचित्र, सोपान मंडलम माने सोपान मंडल या सीढ़ी का मंडल या कहो मंजिल, अस्ति है, इसमें एक विचित्र सोपान मंडल है।
तत्र माने वहाँ उस सोपान मंडल में नव आगंतुका, नव माने नए, आगंतुका माने आने वाले, माने जो आते हैं उनको आगंतुक बोला जाता है। उस में उस सोपान मंडल में नए आए हुए लोग बहुधा बहुत ही मार्गम माने रास्ते को विस्मरयंति माने भूलते हैं, स्मरंति माने याद रखते हैं और विस्मरंति माने भूलते हैं। वहाँ नए आगंतुक बहुत ही ज़्यादा मार्ग को भूलते हैं। अत एव माने इसलिए जनाह माने लोग, इदम माने इस, भवनम माने भवन को, भूल भुलैया इति वदन्ति, इसलिए लोग इस भवन को भूल भुलैया कहते हैं। अब इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ को देखें। सत्याग्रहीण, सत्य के लिए मन वचन और कर्म से दबाव डालना, सत्य के साथ आग्रह करना, अन्यत माने और, अयच्छत माने दिया, कवि इत्री माने होता है कविता करने वाली, आहस असहत माने सहा, अभूषयत माने शोभित किया, प्रेषितवान माने भेजा, भारतानुरागिणी भारत से प्रेम रखने वाली, प्रभुतम माने बहुत, सुरम्यम माने अति सुंदर, आक्रांतवंत माने सताए गए डराए गए, स्मारयति माने याद दिलाती है दिलाता है, विचलन्ति स्म विचलित होते थे, छदि माने छत, स्तंभेह विनापि माने खंभों के बिना भी, अधिवेशनानि माने बैठकें। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो हमेशा आती रहेंगी। धन्यवाद। अगर आप हमारे स्कूल के बच्चे हो तो आप कमेंट में थैंक यू सर या जो आपके विचार हों ज़रूर लिखें। धन्यवाद।